यहाँ हमारे यहाँ प्रकृति ने इतनी खूबसूरत दी है कि बारिश भी पड़ती है तो ऐसी जैसी कि पूरे विश्व के बराबर की कहीं बारिश भी पड़ती है। धूप के लिए विश्व के लोग हमारे पास आते हैं। 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा हमारे पास है। वाइल्ड लाइफ की अगर परिचर्चा करें तो देश के अंदर जहां वन क्षेत्रों में गिरावट हुई है, मुझे बताते खुशी हो रही है कि भारत के अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर अगर हम पिछले से कंपैरिजन करें तो 1% वन क्षेत्र बढ़ा है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या जब बढ़ती है, हमारा भारत एक विकासशील देश है, तो हम वन साधनों पर, लेकिन जिस जगह पर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, आज इस ओखला बर्ड सेंचुरी की 5000 बीघा में ये बनने वाला पर्यटन केंद्र देश ही नहीं विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनेगा। लगभग 400 प्रजातियां पक्षियों की यहां पर रहती हैं, लगभग 10,000 के पक्षी यहां पर रहते हैं और मौसम के समय तो लगभग 25,000 पक्षी यहां तक रहते हैं। आपने देखा होगा पानी पर एक काई सी जमीन रहती है, कुछ हरी घास सी डेवलप हो जाती है, जिसको अगर हम ना हटाएं तो लगातार वहां का बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है और जो पक्षी यहां आते हैं उनके रहने लायक उस समय जगह नहीं होता। अब आगे से ये गंदगी आपको यहां नजर नहीं आएगी। यहां एक वॉकिंग ट्रैक होगा, साइकिल ट्रैक होगा, 4 से 6 तक वॉच टावर बनाए जाएंगे जिसमें लिफ्ट भी लगी होगी कि लिफ्ट से जाकर आपके लगभग 40 फुट ऊंचे टावर पर पहुंचकर टेलीस्कोप के माध्यम से या बायनोकुलर्स के माध्यम से आप किसी पक्षी की छोटी छोटी पास की गतिविधियां भी देख सकेंगे। जो मार्शी एरिया है, जो गीला एरिया है, उन पर बांस की धरातल बनाया जाएगा।